क्लास फाइव में जो चैप्टर मैंने कल आप लोगों को कंप्लीट हो गया था ना, नंबर जनरल बता रहे थे, तो जेंडर में जेंडर का टोटल जितने भी काइंड थे, चार काइंड थे जेंडर के, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। और मैं आप लोगों को रूल बता रहा था कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ जेंडर में कल आप लोगों को बता रहा था, उसमें कितने रूल्स मैंने बताए थे कल, तीन रूल है, ठीक है। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को तीन रूल्स बताए थे, बाकी के रूल्स अभी बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को आज कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन का नंबर और जेंडर मैं आप लोगों को बता रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को जेंडर का उसमें बताया था, ठीक है। तो कल जो मैंने रूल बताया था उसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है बन गए होंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, सिंपली सब लोग से बन गया होगा, बाकी हम लोग आगे का रूल नहीं करते हैं। मॉर्निंग कुमार कन्हैया, गुड मॉर्निंग ऑल, रणवीर सिंह जिस आई डी से भेज रहे हैं, आदित्य आर्य। चलिए तो फोर्थ रूल लिखते हैं हम लोग, रूल नंबर फोर जो है वो है बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स, बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है पता है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो वही लोग से पूछ रहे हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स पर तीनों एक जगह क्यों बैठ गए, यहां बैठो ना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सुन रहे हो, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर कुछ जुड़कर उसका मीनिंग चेंज करेगा तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और सफिक्स उस वर्ड के बाद जुड़कर उसका मीनिंग चेंज करेगा तो उसको सफिक्स बोलेंगे। जैसे होता नहीं है अगर हम लिखे हुए हैं पॉसिबल, तो पॉसिबल के पहले अगर हम इम जोड़ दें तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, तो ये हो गया यहाँ पे प्रीफिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब है क्रिएट, अब क्रिएट के आगे हम लोग हटा के आई ओ एन जोड़ दिए तो हो गया क्रिएशन, तो ये हो गया सफिक्स, मतलब एक जो होता है वर्ड के पहले जोड़कर उसका मीनिंग चेंज करता है, और एक वर्ड के बाद जोड़कर उस वर्ड का मीनिंग क्या करता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स जो होगा मतलब वर्ड के पहले कुछ यूज होगा उसको हम लोग फेमिनिन में कन्वर्ट कर देंगे, और कुछ नाउन में लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब सफिक्स पार्ट में चेंजिंग करेंगे या प्रीफिक्स पार्ट में चेंज करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल रहेगा कॉक स्पैरो, ठीक है। तो कॉक स्पैरो में देखिए कॉक इसका क्या है, प्रीफिक्स है क्योंकि वर्ड के पहले लगा है, तो बस स्पैरो का तो हम चेंज नहीं करेंगे फेमिनिन में, तो कॉक का फेमिनिन क्या होता है, हेन, स्पैरो का स्पैरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम लोग किसमें चेंज किए, किसमें चेंज नहीं हुआ, प्रीफिक्स में, है ना, प्रीफिक्स में हम लोग यहाँ पे चेंज किए, प्रीफिक्स दैट मीन्स दोज वर्ड व्हिच यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू मेक इट्स सेंस, ठीक है। तो कॉक स्पैरो से क्या हो गया, हेन स्पैरो, कॉक मतलब मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी, कॉक स्पैरो हेन स्पैरो, ठीक है सर। फिर वही है, हां बोलो, फाइव का, तो फाइव में कौन सिक्स का पैर है, सिक्स लिख लो, फर्स्ट पीरियड सिक्स लेने का आदत है इसलिए आते हैं पहले क्लासिक्स, चलो ठीक है। ही गॉट का हो गया सर, लिंक भेजे हैं वो क्या लिख के भेजे, हाँ उसमें क्लास कर भेजे हैं, बोले हाँ लिंकों में सिक्स लिख दी, सर ही गॉट क्या लिख, ही गॉट मतलब हो गया मेल बकरा, बकरा जो होता नहीं है, बकरा को गोट नहीं बोलते, ही गॉट बोलते हैं,
तो बकरिया क्या हो जाएगा, सी को किसमें बदल दोगे, सी, यहाँ पे गोट का गोट हो गया, ऐसे गोट ही बोलते हैं हम लोग बकरी को, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ही गोट सी गोट बकरा बकरी, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग यहाँ तो सब में प्रीफिक्स देखे, अब हम लोग कुछ सफिक्स देख लेते हैं, जैसे है लैंड लॉर्ड, ठीक है, लैंड लॉर्ड, तो लैंड का तो कोई हम लोग फैमिली नेम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ इसका सफिक्स जो होगा लॉर्ड उसको हम लोग चेंज कर देंगे लेडी में, तो क्या हो जाएगा लैंड लेडी, लॉर्ड का लेडी होता है तो लॉर्ड को चेंज कर दिए लेडी में, बाकी में प्रीफिक्स था, यहाँ पे सफिक्स है, हाँ लैंड लेडी बिल्कुल सही है। वैसे ही है पीकॉक, इसका भी सफिक्स पार्ट चेंज करो, पी एम ये हो गया मोर, ये हो गया मोरनी, ठीक है, कॉक को हेम में चेंज कर दिया, तो कुछ वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स को चेंज किए, कुछ नाउन में हम लोग सफिक्स को चेंज करके मैस्कुलिन टू फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिए, बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स, लिख लीजिए इसको। प्रॉब्लम, अच्छा पी है लिखे हो, ठीक है, हाँ मिल्कमैन का मिल्क हेड, मिल्कमेड सही है, हमारा क्या गया बिल्कुल सही, मिल्कमैन मिल्कमेड बिल्कुल सही है, चलिए सब लोग का सही है। तो यहाँ पे आपका नाउन से रिलेटेड जो तो यहाँ पे नाउन से रिलेटेड जो मैस्कुलिन टू फेमिनिन थे रूल्स वो कंप्लीट हो गए, अब हम लोग प्रोनाउन का देखेंगे, प्रोनाउन में भी हम लोग अलग अलग जेंडर में उसको यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है, लिखिए सब लोग, डर है इतना स्लो जी, ऑनलाइन वाला सब लिखिए, वो ब्लैक और ब्लू करता है ना, ब्लैक से ब्लू से स्लो हो गए, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का, ठीक है, यूज ऑफ प्रोनाउन इन जेंडर, यूज ऑफ प्रोनाउन इन जेंडर, प्रोनाउन का हम लोग कैसे जेंडर में चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन में भी कई तरह के प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोनाउन किस जेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे प्रोनाउन में आप लोग देखे होंगे अगर बात करें यहाँ पे सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, ठीक है, यहाँ पे पर्सन में फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन सुनने वाला मतलब जिससे बात आप कर रहे हो वो हो गया सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर एक ही आदमी बोलेगा तो आई, प्लूरल में हो जाएगा वी, सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा सुनने वाला एक आदमी है तो यू, और एक से ज्यादा है तो उसको भी हम लोग यू ही बोलते हैं, यू मतलब तुम भी होता है और यू मतलब तुम लोग भी, तुम या आप, इसमें तुम लोग या आप लोग, थर्ड पर्सन में हम लोग सिंगुलर नंबर में ही सी इट, जब नेम देंगे तो नेम तो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, इसलिए नेम नहीं बस किसी इट लिखते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है दे। अब देखिए यहाँ तो लिस्ट हो गया नंबर और पर्सन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा किस जेंडर में हम लोग यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई होगा आई जो है मैं, तो मैं जो होगा वो मेल होगा या फीमेल, अगर आई बोलेंगे तो क्या होगा मेल या फीमेल, मैं तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो ये कौन सा जेंडर है कॉमन जेंडर है ना जी, यस सर कॉमन जेंडर, क्योंकि आई जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, वी का यूज करिएगा तो ये भी आपका हो जाएगा कॉमन जेंडर, क्योंकि वी हम लोग, तो हम लोगों में क्या होगा मेल और फीमेल सब मिक्स होगा, ठीक है, वी कहने से पता तो नहीं चलेगा कि मेल को डिनोट कर रहे कि फीमेल को, तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर, यू तुम सुनने वाला ये भी आपका है कॉमन जेंडर, क्योंकि हम बोल रहे हैं जिसको सुनने वाला या वाली दोनों हो सकता है, लड़का या लड़की मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए भी कॉमन जेंडर,
और तुम लोग भी हो जाएगा कॉमन जेंडर। तो यहाँ तक तो ये सब कॉमन जेंडर है क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करेगा, लेकिन इसमें आते हैं ही अगर रहेगा तो किसको डिनोट करेगा, मैस्कुलिन जेंडर, ये एमजी हो गया। सी रहेगी तो फेमिनाइन जेंडर, इट रहे तो न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि इट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग या बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर और देश की क्या हो जाएगा कॉमन जेंडर, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन का जेंडर हो गया जो अलग अलग जेंडर के लिए यूज किया जाता है। लिख लीजिए इसको, शॉर्ट फॉर्म समझ गया ना, एमजी मैस्कुलिन, एफजी हो गया फेमिनाइन जेंडर, एनजी हो गया न्यूट्रल जेंडर, सीजी कॉमन जेंडर, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है प्रोनाउन का जेंडर, बताइए सब लोग। सोनू कुमार यादव, यस सर, ओके। तो ये तो हो गया, ये जितने भी अभी मैं यहाँ प्रोनाउन लिखा हूँ ये सब के सब क्या है, सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। अभी जो भी लिखे हैं ये सब क्या है, नॉमिनेटिव केस का है। जब भी ये आएगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, इसका पॉजेसिव केस देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, उसमें इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो अलग अलग केस में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जब हम लोग केस चेंज करेंगे, अभी तो ये सब नॉमिनेटिव है, इसको जब पॉजेसिव में और फिर ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे तो वहां पे इसका क्या क्या रिस्पेक्टिवली होगा। ही के लिए हम लोग क्या पॉजेसिव के लिए यूज करेंगे, सी के लिए क्या होगा, पॉजेसिव केस समझते हो क्या होता है, उम्मीद से बोल रहे हैं, पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस ही सी इट तो नाउन का और प्रोनाउन का तीन केस होता है। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, पॉजेसिव केस जो अधिकार दिखाने के लिए हो, अधिकार मतलब यह मेरा है या तुम्हारा है या उसका है, कुछ भी पता नहीं। चलो देखो वो भी लिस्ट हम कई बार तो बता चुके हैं क्लास में, कई बार और से जब तुम लोग अपना आदत नहीं छोड़ रहे भूलने का, तो हम भी आदत नहीं छोड़ेंगे बताने का, हम भी बार बार बताते हैं। देखो यहाँ पे अगर केस का बात करें तो तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव जिसको हम लोग इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी का है, नॉमिनेटिव ये हो गया केस, ये होता है नॉमिनेटिव। फिर आते हैं हम लोग पोजेसिव, पोजेसिव केस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये केस किसका है, प्रोनाउन का बताते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तीन तरह के हैं। अब देखो ये पोजेसिव केस में भी दो तरह का होता है, पोजेसिव एक एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों यूज करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट के रूप में मैंने जितना भी प्रोनाउन लिखा था क्या क्या, आई लिखे हैं, बी लिखे हैं, यू लिखे हैं, ई, सी, इट और दे, ये लिखे हैं ना, इतना लिखे हैं। अब देखो अलग अलग कैसे यूज होगा, तो आई के लिए अगर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो क्या होगा, आई के लिए माई, हाँ मेरा, और वही पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो माइन, हाँ। और ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तब होगा मी, ठीक है। वी के लिए अगर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले समझो छाप लेना बाद में, ठीक है, छापते ही रहोगे। आई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब भी एडजेक्टिव यूज होगा ना इसके बाद नाउन जरूर आएगा, ठीक है, जब भी एडजेक्टिव होता है ना तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। नहीं बोलते दिस इज माय पेन, माय बुक, माय कॉपी, इस तरह का, ठीक है, और जल्दी आ गए, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको देख लो उसको फिर देख लेना, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही आता है। चलिए वी के लिए, वी के लिए अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, आवर, वही प्रोनाउन हो जाएगा, तो
आवर्स ग्रेट से आवर्स कुछ नया नहीं बताइए इसको पता ही है ना। चलिए ये हो गया, यू के लिए यूज करेंगे तो योर। अब देख लो सब में यही होगा, नाम इसके बाद जरूर आएगा, उसके बाद योर्स होगा हाँ। और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, ये प्रोनाउन है इसलिए। और इसको ऑब्जेक्ट में यूज करूंगा तो यू ही रहेगा। ही के लिए हिज, प्रोनाउन भी हिज और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। सी के लिए हर, इसमें एस जोड़ दो, इसके में भी हर ही हो जाएगा। इट के लिए हो जाएगा इट्स, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में भी इट। दे के लिए डियर, प्रोनाउन भी यूज करोगे डियर्स और ऑब्जेक्ट में तो देम। ठीक है, अब फटाफट बता दो कि इसका कौन कौन सा जेंडर, कौन कौन है, किस किस जेंडर में ये सब यूज करेंगे। ये तो हम बता दिए ऑलरेडी इससे पहले वाले टेबल में कौन कौन सा जेंडर है, तो उससे रिलेटेड ये भी होगा। जो सब्जेक्ट जिस जेंडर में उसी जेंडर में उसका बाकी का केस होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आई अगर कॉमन जेंडर है तो माई भी कॉमन जेंडर, माई में मेन फीमेल दोनों हो सकता है, माई भी कॉमन जेंडर, मी भी कॉमन जेंडर। ठीक है, आई वी यू ये तीनों क्या है कॉमन जेंडर में ही यूज होंगे, क्योंकि इससे मेल और फीमेल दोनों हो सकता है ना। कॉमन जेंडर का डेफिनेशन ही पढ़े हो, जिसमें ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो कि क्या हो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करे, आइदर मेल और फीमेल दोनों में से कोई हो सकता है, ये हो गया कॉमन जेंडर। ही जो होगा वो मैस्कुलिन के लिए यूज होगा, जब ही मैस्कुलिन तो ही भी मैस्कुलिन, ये सब मैस्कुलिन। ठीक है, सी हो गया फेमिनाइन के लिए, तो इसके लिए ये सब फेमिनाइन जेंडर। फिर जो हो गया वो यहाँ का न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए इसका ये सब। और दे भी हो गया आपका कॉमन जेंडर, कॉमनली दे में पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा पर्सन है, मेल है या फीमेल है, तो ये कॉमन जेंडर। तो जिस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट में यूज करेंगे उसका पोजेसिव, एडजेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस तीनों रेस्पेक्टिवली वैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। बोले ये कौन कौन, ही हिज और हिम मैस्कुलिन जेंडर, सी हर हर्स ये हो गया फेमिनाइन जेंडर, बाकी तो कॉमन जेंडर है। इट जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए, इट हो गया या इट्स हो गया, ये सब न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, उतना लिख लीजिए सब लोग और फटाफट मैसेज कीजिए समझ में आ गया है तो। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना है, कैसे पल्ले पड़ रहा है ना, हाँ नया चीज। चलिए टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रिग्नोमेट्री, क्या कैलकुलस अलजेब्रा, खरा कुछ नया जो वही चैप्टर सब है वही रिविजन कर रहे हैं, नया क्या होता है। इंग्लिश में जो भी ग्रामर से रिलेटेड है वो सारा रिविजन करवा चुके हैं, कोई टॉपिक कचा नहीं है। हाँ उसका लेवल अलग अलग है, तुम लोग के लेवल का सब कुछ बता चुके हैं, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा नया, तो यही सब बचा ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस स्टैटिस्टिक्स एलपीपी पढ़ा गया लीनियर प्रोग्रामिंग। अलग अलग बुक था, अब तो सी बी एस ई में इलेवेंथ का अलग, ट्वेल्थ का अलग, सबका अलग अलग पढ़ते थे, मार्के सिन्हा का अलग था, कैलकुलस का अलग, नया शिक्षा नीति में तो और कम हो गया है, जो 5+3+3+4 का है उसमें तो और इजी हो गया है, इसी साल हो जाएगा कोरोना वाट लगा दिया। चलिए धीरे धीरे सिलेबस बहुत सिंपल कर रहा है, कंपटीशन हार्ड करता जा रहा है, कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, कहीं से बोल देता है कंपटीशन, सिलेबस पे अगर डिपेंड रहेगा ना तो कंपटीशन नहीं क्वालीफाई करेगा, कईयों ने कुछ पेपर पढ़ाया है, पहले का सिलेबस बहुत अच्छा था, पहले का सिलेबस हार्ड था तो कंपटीशन उस लेवल का था, कंपटीशन उससे
लोग थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो कंपटीशन क्वालिफाई. आज तो जब सिलेबस में ही नहीं है तो फिर कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. सिलेबस हाई है, कंपटीशन लो है तो अच्छा है. सिलेबस लो है या कंपटीशन है निकाल कर फिर वही हाल होगा जो एस के मदर इंटरनेशनल में होगा. क्या जी हो गया, क्लियर है ये? तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन और नाउन से रिलेटेड जो भी जेंडर है वो टोटल कंप्लीट हो गया. अब आपको इसी तरीके से सेंटेंस में अगर रहेगा तो जैसा आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा उसी अनुसार बाकी के केस भी आप लोग यूज करोगे. ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी है, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ही राइट सेंटेंस मेकिंग नेसेसरी चेंज. यही इंटीरियर से बनाने को तो दो लोग गड़बड़ किए थे. तो इस सब्जेक्ट में सी का यूज किए थे लेकिन ऑब्जेक्ट में ये पॉजेसिव केस में हिज ही रहने दिए थे, ऑब्जेक्टिव केस में हिम ही रहने दिए थे, वही गड़बड़ हो गया था. तो जो सब्जेक्टिव केस में रहेगा ना सेंटेंस में वही उसका पॉजेसिव भी होगा, वही उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा उसी अनुसार. ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में सी, पॉजेसिव में हिज और फिर ऑब्जेक्टिव में डेम, ऐसा खिचड़ी नहीं बना. जो जिस केस में है सब्जेक्टिव में है तो यही यूज करो, पॉजेसिव में ही है दोनों और ऑब्जेक्टिव में हो. जैसे देखो एग्जाम्पल भी बता देते हैं. क्योंकि सेंटेंस में बोलता है ना जेंडर चेंज कीजिए और जो बाकी के जो नेसेसरी चेंजेज होंगे वो भी कीजिए. तो आप तो सब्जेक्ट का जेंडर चेंज कर लेते हो लेकिन उसी रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव केस आता है या पॉजेसिव केस आता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं. तो वही हो जाता है मिस्टेक एरर. जैसे देखो अगर लिखा है सेंटेंस है द बॉय वेंट टू डैश अंकल, यहाँ पे क्या भरोगे बॉय के लिए? यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या भरोगे बताओ? अगर यहाँ पे बॉय है तो यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए? अभी तो बताएं कहाँ थे आप? बॉय नॉर्मल सेक्शन पे रहता है, दस बॉय है तो इसके हो जाएगा. अब वही अगर यहाँ पे डजर लगता तो हर हो जाता, तो उसके हिसाब से हम लोग केस भी चेंज करते हैं. जैसे देखो यहाँ पे है चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस. फिर से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वीन वाज राइडिंग हिज हॉर्स, इसमें जेंडर भी चेंज करना है. द क्वीन वाज राइडिंग ए हॉर्स. अब यहाँ पे पहले तो देखिए कौन कौन सा नाउन और प्रोनाउन है. पहला नाउन क्वीन और हॉर्स राइडिंग थर्ड हॉर्स. अब ठीक है ये भी और ये भी, ये तीनों नाउन और प्रोनाउन तो हम लोग कर लिए. अब इसमें क्या करना है जेंडर को चेंज करना है. ठीक है सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा किंग का जेंडर चेंज कर दो, सॉरी क्वीन का किंग वाज राइडिंग. अब तुम लोग क्या किए थे इसको चेंज किए थे बट उसको वही रहने दिए थे, वही गड़बड़ हो जाएगा. किंग के लिए क्या होता है हेज और हॉर्स को चेंज करेंगे हम लोग उसके फेमिनाइन में मेयर, तो हो जाएगा द किंग वाज राइडिंग हिज मेयर. कितनी बेइज्जती की बात है, राजा घोड़ी का सवारी कर रहा है. देख रहे हैं कैसे कैसे चेंज किए हैं, जो भी इसका सब्जेक्ट करता है सब्जेक्टिव केस के अनुसार इसका बाकी के केस भी चेंज करते हैं. ऑब्जेक्टिव केस और वहां पर क्या था पॉजेसिव केस. इसका चेंज करो द बॉय वेंट टू हिज अंकल, द बॉय वेंट टू हजार्ड वेंट टू बोलो हर अंकल की आंट नहीं हो गया. द गर्ल वेंट टू हर आंट, द बॉय वेंट टू हर अंकल. अरे बॉय के साथ हर लगाते हो बता कौन है? अमृता कुमारी के साथ यहाँ पे गर्ल के साथ क्या रहेगा पॉजेसिव केस हर का यूज करेंगे. ठीक है और यहाँ पे द बॉय वेंट टू हर अंकल, अंकल क्यों अंकल को भी चेंज कर दो, यहाँ पे अंडरलाइन किया ना अंकल मैस्कुलिन में, इसको भी फैमिली में कन्वर्ट कर दो अंबिका, तो यहाँ पे हो जाएगा आंट. द गर्ल वेंट टू हर आंट.
ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो एक्सरसाइज है 3 का ए बी सी ये बनाना, सिंपली बन जाएगा। हाँ, द गर्ल वेंट विथ विथ क्यों विथ का हम लिखे वेंट टू हर आंट। एक और सेंटेंस देते हैं, ए विडो अविडो इज वन who lost her husband. His wife. इसको चेंज कीजिए तो अलग अलग जेंडर में, अपोजिट जेंडर में, मैस्कुलिन में सर। हाँ, सबको अपोजिट जेंडर में चेंज करेंगे। 15 को 20 को भेजिए इसका क्लास ओवर करते हैं। इसको चेंज कीजिए, जो भी मैंने अंडरलाइन किया उसको डिफरेंट जेंडर अपने अपोजिट जेंडर में चेंज करता हूँ। इसको नहीं, इसको बना कर भेजिए जल्दी फटाफट। रोल नंबर लेना है, हाँ उसी तरह मतलब रोल वाइज के अनुसार आ रहे हैं। क्या हुआ, अभी तक किसी का नहीं है, इतना लेट टाइम। ए विडो आया, विडोवर इज वन हु लॉस्ट हर का हो गया इज और हस्बैंड का हो गया कुछ लोग गलती किया था, मैं सुधार लेना। कहाँ गलती? और राइट एंड लर्न ऑल रूल्स ऑफ चैप्टर 15 का जितना भी रूल है नंबर और जेंडर से रिलेटेड वो सब आप लोगों को याद कर लेना है। एक्सरसाइज 3, 1, 2 जो भी है सब बना लेना। चलो देखते हैं पॉजिटिव केस बताएंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। हाँ, क्या होगा?